जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस स्टडी प्रो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा और मैंने भी अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो दोस्तों वो 25 फरवरी से भराना स्टार्ट हो जाएगा, 26 मार्च तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो आज से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा की पात्रता को रखते हैं, ठीक है, यानी कि उनके सारे पात्रता को फुलफिल करते हैं, तो आज के बाद आप कर सकते हैं, यानी आज से आप जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभिक दौर में देखेंगे, शुरुआती दौर में देख लेते हैं कि आप किस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको JSSC की ऑफिशियल साइट पे आना होगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट आ सकते हैं, या तो फिर आप सिंपली JSSC टाइप करने के बाद, ठीक है, आप सीधा से JSSC की होम साइट पे आ सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह जो फॉर्म है यह सिर्फ या तो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर ही खुलेगा, यह मोबाइल पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको डेस्कटॉप मोड पे ही आना होगा, ठीक है दोस्तों। तो या तो आपके पास अगर लैपटॉप है तो उससे कर लें, या तो फिर आप किसी कैफ़े या फिर ऐसे जगह चल जाए जहाँ पे आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप JSSC की ऑफिशियल साइट पर आएंगे और वहाँ JSSC टाइप करने के बाद आप सिंपली ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये तो बहुतों को पता होगा। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला वाला जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JECCE 2022, ये वही वाला है जिसका मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और जिसको आपको फिलअप करना है, यानी झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए आपको सबसे पहले वाले पे क्लिक करना है। दूसरा और तीसरा के लिए देख लीजिए, ये सब अलग अलग है, ठीक है। ये JDLCC वाला है, जूनियर इंजीनियर वाला, और JGLCC जो है आपका JSSC CGL वाला है। तो सबसे पहले आपको पहला पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करते ही आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। यहाँ आने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन जो ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है, बस यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि हैव यू डन पेमेंट फॉर JECCE 2018 एडवर्टीजमेंट नंबर जो है वो 4/2018 है, यानी कि क्या आपने पेमेंट किया था JSSC 2018 का, जिसका विज्ञापन संख्या 4/2018 था, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग को ज्ञात होगा कि ये वही वैकेंसी है जिसको पिछले दिनों रद्द किया गया था। तो उसमें जो जो कैंडिडेट ने अपना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया था और पेमेंट को भी वहाँ पे पेड किया था, वो लोग अगर यहाँ पे अगर यस करते हैं तो उनको दूसरी बार पेमेंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे नो करते हैं, यानी कि अगर आप उस वक्त नहीं भरे थे फॉर्म, तो आप यहाँ पे नो करके जाएंगे, आपको पेमेंट का फीस लगेगा। उसके बाद सिंपली प्रोसेस है, आप सीधा सीधा पढ़ के भी जान सकते हैं कि कितना यहाँ पे आसान है। तो देखिए, आर यू इंडियन सिटीजन, आप जानते हैं कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ, यस। आर यू अ लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, एकदम बिल्कुल आप लोकल रेसिडेंट है तभी आपको भरना दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे यस करते हैं तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा आपका, ठीक है, कि सर्टिफिकेट नंबर ऑफ योर लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड। तो यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट का जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है उसका नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे कौन सा अथॉरिटी उसको इशू किया है वो चीज़ डालेंगे, फिर डेट ऑफ इशू ऑफ योर सर्टिफिकेट ऑफ लोकल रेसिडेंट DDMMYY फॉर्मेट में, डेट मंथ ईयर के फॉर्मेट में आप डालेंगे कि क्या आपका इशू जो हुआ है वो सर्टिफिकेट का, कि आप कब तक डेट है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंट, तो सबसे पहले आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, फिर जेंडर है, यहाँ पे अपना जेंडर भर देंगे, फिर मैट्रिकुलेशन, आप कौन सा स्कूल कॉलेज से किए हैं उसका, यहाँ पर झारखंड से किए हैं कि नहीं, उसके लिए यहाँ पे यस नो करना होगा आपको। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो फिर आपको पूछेगा कि आपका रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है, क्या आप एक सर्विसमैन हैं, आपको यहाँ पे अपना अर्हता के अनुसार आपको इधर भरते जाना है। फिर पूछ रहा है कि आर डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट कोटा, जी अगर आप इसमें से आते हैं तो इसको जाएंगे। फिर नॉलेज ऑफ लोकल कस्टम लैंग्वेज एंड
सराउंडिंग्स ऑफ झारखंड स्टेट है ना, तो उसको भी आप यस करके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पूछता है आपको डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे वही भरेंगे जो आपका मैट्रिकुलेशन टेंथ सर्टिफिकेट में है, ठीक है, वही चीज़ भरेंगे। फिर यहाँ पे आई कन्फर्म दैट द डिटेल्स फील्ड अबव आर वेरीफाइड बाय मी एंड फाउंड करेक्ट, ये भरने के बाद आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन के लिए आप दूसरे पेज पे चले जाएंगे, जहां आपसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह मांगा जाएगा। वहां करने के बाद आपका पासवर्ड और यूज़र नेम यूज़र आईडी आ जाएगा, जिसको लेने के बाद आप जो है वो फिर से अपना न्यू लॉगिन पर आके यहां पे, ठीक है, आपको बैक आ जाना है। और यहां पर आने के बाद आपको लॉगिन ओनली फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट, इस तरह से आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। और यहां पर आके आप लॉगिन मारेंगे, और लॉगिन मारने के पश्चात आप यहां से अपना सारा डिटेल्स को फिल करके आगे की प्रोसेस कर पाएंगे। इसके लिए सेपरेट वीडियो में कोशिश करूँगा नेक्स्ट दो पार्ट में बनाने के लिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। प्लीज़ अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, फिर अगला वीडियो मैं इसका जल्द ही लाने का